अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वाले हफ्ते आपने व्लॉग में देखा होगा जो यही ट्रक को लेके मैंने कितनी भागम दौड़ी की थी रमल को उतारने के लिए, वो एक लेवल था। आज आती है दूसरे लेवल की बारी, वही ट्रक लेके मैं अब यहाँ पहुँच गई हूँ। कहाँ पर? उमल के दिन पे। ये यहाँ पे क्या है, इसे रोड बेस कहते हैं, लेकिन ये दो किस्म की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। घर बनाने में भी इस्तेमाल होता है, रोड बनाने के लिए भी, और जो कंकरी जो किसी को अगर मतलब इंटरलॉक नहीं लगाना है लेकिन रास्ता पक्का करना है तो ये उधर भी काम आता है, बहुत चीज़ों में काम आता है घर बनते समय। पहला लेवल तो मेरा पहले प्रोजेक्ट तो हो गया जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब आते हैं दूसरे लेवल की बारी, किसी का घर बन रहा है और इस चीज़ का रिश्तेदार बने तो क्या मुश्किल है। लेके जाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ से उठाएंगे ट्रक को लोड करेंगे और चलते हैं मिशन की तरफ। पहले मैं आपको एक और मेरी ट्रक तो दिखा दूँ, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, एक और बार देख लेते हैं क्या मुश्किल है। राइट नाउ मैं उमल के बिन में, ये लोग यहाँ से बेचते हैं खुद रमल, बेचते हैं रेत बेचते हैं, कंकरी बेचते हैं, जिसे रोड बेस कहते हैं वो बेचते हैं, जिसको जिस चीज़ में ज़रूरत पड़े वो इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर भी देख लें। लड़की का आपको मैं कुछ लोगों से मिलाती हूँ जो ये चीज़ें हर रोज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? थक गए? नहीं थक गए? नहीं नहीं। तो चलो आ जाओ काम पे लगते हैं। ज़्यादा नहीं सताना मैंने उन्हें, सिर्फ डलवाना है कंकरी ऊपर, डालेंगे तो ही तो मैं निकालूंगी ना, मुझे तो सिर्फ चलाना है, उतारना चढ़ाना मशीन का काम, लेकिन इनका काम हाथ का होता है। चलो शुरू करते हैं। मैं रिवर्स करके ले आऊँ यहाँ पर, शुरू हो जाए। मैं आ रही हूँ, लगा रही हूँ रिवर्स करी, दो मिनट पहले मैं इन लोगों को दिखा दूँ कि कैसे चालू होती है। अच्छा ट्रक के मामले में मेरी सबसे फेवरेट चीज़ क्या होती है, ट्रक में चढ़ना। मुझे ट्रक चढ़ना और ये दरवाजे का जो ऐसे बंद होना, ये मुझे बहुत पसंद है। बार बार बंद करोगे तो ये लोग परेशान हो जाएंगे। हमारा मिशन बिस्मिल्लाह, मुझे आप 10 बार गाड़ी के ऊपर चढ़ा दो उतार दो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे इसके दरवाजे को बंद करना बहुत बहुत पसंद है। अब मेरे जूते देखो, मेरे जूते देखो देखो देखो, ये क्या है, इसे कहते हैं सेफ्टी शूज़। अगर कोई पत्थर या पहाड़ भी गिर जाए तो कुछ नहीं होता, इंडिया से आए हैं मेरे।
लगाने के बाद अपने हमने सिर्फ इन्होंने ये उठाकर मेरे ट्रक में डाल के मुझे देना है ताकि मैं उसको फिर ले जा सकूं। बस इंतजार हो रहा है राइट नाउ। यहाँ से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर हमारी साइट है जिसने हमें इसको ऑफलोड करना है क्योंकि वहां पे घर बन रहा है। आसान आसान। दिस इज माई फेवरेट पार्ट बाय द वे। गिर गया। जो उसकी वो है एक्सपीरियंस मैटर्स, जो स्पीड है, जो ग्रेसफुली कर रहा है, माशाल्लाह एक्सपीरियंस दिख कर आ रहा है माशाल्लाह भाई का। तो चले, लोड हो गई ट्रक लोड हो गई। अब चलते हैं अंदर, चलते हैं जगह पे जहाँ पे इसको उतारना है। जैसे मैंने बताया 10 किलोमीटर तक की दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर इंतज़ार हो रहा है हमारा। कहाँ पर भी जी
उठा कर मेरे ट्रक में डाल के मुझे देना है ताकि मैं उसको फिर ले जा सकूं। बस इंतजार हो रहा है राइट नाउ। यहाँ से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर हमारी साइट है जिसने हमें इसको ऑफलोड करना है क्योंकि वहाँ पे घर बन रहा है। आसान आसान। This is my favorite part, by the way. गिर गया। जो उसकी वो है एक्सपीरियंस मैटर्स, जो स्पीड है, जो ग्रेसफुली कर रहा है, माशाल्लाह एक्सपीरियंस दिख कर आ रहा है माशाल्लाह भाई का। तो चले, लोड हो गई ट्रक लोड हो गई। अब चलते हैं अंदर, चलते हैं जगह पे जहाँ पे इसको उतारना है। जैसे मैंने बताया 10 किलोमीटर इंतजार हो रहा है हमारा। कहाँ पर भी जी
कराची से हम शादी करेगा किसके लिए सर? मैडम ये बाइक के लिए कराची से किया किसके लिए? अभी किसके लिए कराची से करते हैं हम लोग?